नमस्कार बच्चों, आप सभी जानते हो कि हमारी बॉडी में मानव शरीर में पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं। त्वचा जो हमें बाहर के गर्मी, सर्दी, ताप, दाब आदि का अनुभव करवाती हैं। कान सुनने का कार्य करते हैं। जीभ जो है स्वाद चखने का कार्य करती है। और नाक सूंघने का कार्य करते हैं। आँख देखने का कार्य करती है। तो आंख जो है, या आपकी जो नेत्र है, ह्यूमन जो आई है, ये इसकी संरचना कैसी है, ये कैसे कार्य करती है, और इसमें कौन कौन से दोष हो जाते हैं जब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। आपने देखा होगा कि बच्चों के स्पेक्स लगे होते हैं, चश्मे लगे होते हैं, और बुजुर्गों के भी, वो क्यों लगते हैं? क्योंकि आंख से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो फिर चश्मे लगाने पड़ते हैं और उससे फिर क्लियर हो जाता है। तो आज मैं आपको सबसे पहले आंख की संरचना समझाऊंगी। आंख की संरचना होती क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई, ह्यूमन आई, या आप कहिए आंख की संरचना। मैं साथ साथ बना रही हूं जिससे आपको भी बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सबसे बाहरी पटल होती है जिसको दृढ़ पटल कहते हैं, या स्क्लेरोटिक लेयर भी इसे बोलते हैं। स्क्लेरोटिक लेयर यानी कि दृढ़ पटल आगे से उभरी हुई होती है, और इस उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कॉर्निया। इस उभरे हुए भाग को क्या कहेंगे? कॉर्निया। दृढ़ पटल के बाद रक्तक पटल होती है, या मध्य पटल होती है, या कोरोइड लेयर भी इसे बोलते हैं, कोरोइड लेयर। और एक अंत में एक पटल और होती है जिसको कहते हैं रेटिना। क्या बोलेंगे? रेटिना। ये सबसे अंतिम पटल होती है और इसे दृष्टि पटल या रेटिना भी बोलते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ एक बार और। कौन कौन से लेयर बताई मैंने आपको? सबसे बाहर दृढ़ पटल, दृढ़ पटल। मध्य में मध्य पटल भी बोलते हैं, रक्तक पटल भी बोलते हैं, और इसको कोरोइड भी बोलते हैं। तो मैं रक्तक पटल लिख देती हूँ। रक्तक पटल का मतलब है इसी में रक्त केशिकाएं का जाल होता है, रक्त केशिकाएं आती है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में जो पटल है, जो ये है, ये जो है रेटिना या दृष्टि पटल, क्योंकि प्रतिबिंब यहीं पर बनता है, रेटिना। अब आप देखिए, जो आपकी रक्तक पटल है, यहां से मांसपेशियां निकलती हैं दोनों तरफ से, और वो लेंस को जकड़े हुए होती है। लेंस को जकड़े हुए होती हैं मांसपेशियां। लेंस द्वि-उत्तल लेंस होता है, और इसमें पीछे की तरफ जो है वक्रता अधिक होती है और आगे की तरफ वक्रता कम होती है, लेकिन वक्रता त्रिज्या इसकी अधिक है और इसकी कम। वक्रता इसकी अधिक है, लेकिन वक्रता त्रिज्या इस लेंस की कम है, पीछे वाले लेंस की। समझ रहे हो गए आप? ये मैं आपको जब लेंस के बारे में समझाऊंगी तो बता दूंगी वक्र और वक्रता में क्या डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए, ये पक्षाभि पेशियां होती है। जो पेशियां इसको लेंस को जकड़े हुए होती है, इनका नाम होता है पक्षाभि पेशियां या सीलियरी पेशियां। पक्षाभि पेशियां, यस, इंग्लिश में आप ये कह सकते हो सीलियरी पेशियां, सीलियरी मसल्स। और यहीं से एक पर्दा टाइप होता है जिसमें एक छेद होता है। कॉर्निया के पीछे पर्दा जो होता है और उसमें एक छेद होता है। आप ये देखिए, इस छेद को पुतली कहते हैं, प्यूपिल। हिंदी में पुतली और इंग्लिश में प्यूपिल। और अब यदि आप इसको अच्छे भाई आँख का जो डायग्राम है सुंदर दिखाई दे, तो आप जो रक्तक पटल है इसको थोड़ा डार्क कर सकते हो।
डार्क करने से ये क्लियर आपको स्पष्ट जो दिखाई देगी। और दो तीन बार आप आईज के स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको लर्निंग में और इसे समझने में भी। यहाँ पर तंत्रिकाएं होती हैं, दृष्टि तंत्रिकाएं, जो सूचनाओं को बाहर की तरफ ले जाती हैं। सभी बच्चों को आई का डायग्राम समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिवाइज करते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं आँख के। सबसे बाहर की तरफ क्या बताया था मैंने आपको, दृढ़ पटल, जो आँख की सुरक्षा करता है। आँख एक गोले में स्थित होती है और इसकी जो सुरक्षा करता है वो कौन सा पार्ट करता है, दृढ़ पटल, जो सबसे बाहर की तरफ है वो आँख, वो भाग आँख की सुरक्षा जो है सुरक्षा करता है। और ये वाइट कलर का होता है। कैसा होता है बेटा, वाइट कलर का होता है। यहीं पे पलके वगैरह दिखाई देती है, यहीं दिखती है ये आँख का ऐसा डायग्राम, ऐसे काटा हुआ है, ऐसे ऐसे नहीं है। ऐसे तो हमारी आँख आपको ऐसे दिखाई देती है। और यहाँ पे ये सीलियरी पेशियां दिखाई देती हैं, इसका ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये यहाँ सामने से तो ऐसे दिखती है, लेकिन जो सामने से भाग दिखता है वो केवल हमारे इतना भाग दिखता है, यहाँ से यहाँ तक कॉर्निया वाला उभरा हुआ हिस्सा दिखाई देता है। यानी कि 20% पार्ट ही आँख का हम देख पाते हैं, 80% नेत्र गोलक में स्थित होता है। उसके बाद दृढ़ पटल फर्स्ट पटल हो गई। सेकेंड पटल के बारे में जिक्र करेंगे तो वो है रक्तक पटल, रक्तक पटल या कोरोइड। इसमें रक्त केशिकाएं होती हैं और इसका काला रंग होने की वजह से ये जो है, जो प्रकाश अंदर आता है उसको अवशोषित कर लेती है, उसको बाहर जाने नहीं देती। और तीसरी जो है वो रेटिना, रेटिना थर्ड लेयर आईज की, उसका नाम है रेटिना, यानी कि दृष्टि पटल। प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है। रेटिना पर दो बिंदु होते हैं, एक बिंदु होता है यहाँ पे पीत बिंदु, येलो स्पॉट या पीत बिंदु, और एक होता है यहाँ पे अंध बिंदु, अंध बिंदु। यदि प्रतिबिंब पीत बिंदु पे बनता है तो वो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा, और यदि अंध बिंदु पर बनेगा तो वो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि अंध बिंदु से तंत्रिकाएं नहीं निकलती। तो अंध बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, यानी कि तो वो व्यक्ति जन्मांध होता है, जन्म से ही अंधा होता है और इसका इलाज भी नहीं हो सकता। अब मैं वन बाय वन एक एक बार फिर समझा देती हूँ। कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है, आँख का उभरा हुआ भाग, आंख के सामने उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। आंख के सामने उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। अब आ जाइए आप ये पुतली, पुतली क्या होती है, कॉर्निया के पीछे एक पर्दे जैसी संरचना होती है जिसे आइरिस कहते हैं। इसका नाम क्या होता है, आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक पर्दे जैसी संरचना होती है जिसे आयरिस कहते हैं, और आयरिस में जो छेद होता है उसे पुतली कहते हैं, क्योंकि पुतली से ही प्रकाश जाता है। इसलिए पुतली कम ज़्यादा प्रकाश के अनुसार जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती है। यानी कि जो सीलियरी मसल्स हैं ये सुकुड़ती फैलती रहती हैं, इसलिए पुतली का आकार भी घटता और बढ़ता रहता है। आज अब आप आइए लेंस पे। लेंस द्विउत्तल लेंस है, यानी कि दोनों तरफ से उत्तल है, और ये किसके द्वारा जकड़ा हुआ होता है, पक्षाभि पेशियों के द्वारा, सीलियरी मसल्स के द्वारा। यदि सामने से देखो तो इसके कारण ऐसे, ये सीलियरी मसल्स है, और इसी के कारण सीलियरी मसल्स के कारण ही आँख का कलर होता है। किसी का काला होता है, किसी का नीली होती है, किसी की ब्राउन होती है। उसके बाद आ जाता है ये काचाब दर्भ। ये अंदर एक इसमें द्रव भरा होता है जिसको हम काचाब दर्भ कहते हैं, और इसका जो अपवर्तनांक है वो 1.44 होता है। यहाँ पर भी दर्भ होता है, इसे जलीय दर्भ कहते हैं, कॉर्निया और लेंस के बीच में।
इसका नाम होता है जलीय द्रव, जलीय द्रव। और इसका अपवर्तनांक 1.44 होगा और लेंस का अपवर्तनांक 1.33 होता है। तो ये मैंने आँख के बारे में आपको सभी जितने भी हिस्से थे, आँख के पार्ट थे, उनके बारे में समझाया। एक बार और रिवाइज करते हैं। सबसे बाहरी पटल दृढ़ पटल, जिसका कार्य क्या होता है, आँख की सुरक्षा करना। उसके बाद रक्तक पटल, जिसमें रक्त केशिकाएं होती है और इसका रंग काला होने की वजह से ये प्रकाश को बाहर जाने नहीं देती, यानी कि अवशोषित कर लेती है। उसके बाद रेटिना, रेटिना तीसरी पटल है, इसको दृष्टि पटल भी कहते हैं। इसी पर दो बिंदु होते हैं, एक पीत बिंदु होता है, अंध बिंदु। पीत बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनने वाला स्पष्ट दिखाई देता, अंध बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। और इसके एक और आपको रेटिना के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि रेटिना दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, शंकु कोशिका और दंडाकार कोशिका। और दंडाकार आप इंग्लिश में भी इनका नाम, इसको कौन सेल और ये रॉड सेल। कौन सेल का वर्क होता है कलर को पहचानना, और रॉड सेल का वर्क होता है कम प्रकाश में भी वस्तु को देख लेना। तो आप समझ गए होंगे उल्लू में कौन सी सेल्स होती हैं, दंडाकार कोशिका यानी कि रॉड सेल्स होती है, इसलिए वो रात में भी देख पाता है। और कौन सेल्स जिनमें नहीं होती हैं, उन लोगों को कलर की पहचान नहीं होती है, उनको सारी दुनिया ब्लैक वाइट और रेड कलर की ही दिखाई देती है। ये भी एक रोग होता है, इसे वर्णांधता रोग भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आइए कॉर्निया, उभरा हुआ भाग, आँख के सामने का उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। और जलीय द्रव, लेंस और कॉर्निया के बीच में उपस्थित द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। और उत्तल लेंस, आँख के लेंस को द्वितल लेंस कहते हैं, जो पक्षाभि पेशियों के द्वारा जकड़ा हुआ होता है। काचाव द्रव, लेंस और रेटिना के बीच के द्रव को काचाव द्रव कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। तो ये मैंने आँख की संरचना के बारे में आपको समझाया। तंत्रिका, दृष्टि तंत्रिका कोशिकाएं जो आँख के पिछले हिस्से से निकलती हैं और वो सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाती हैं। ये आपको आँख का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा बेटा। और अब इसमें कभी कभी क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं, कुछ दोष हो जाते हैं, आँख से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता तो कौन कौन से रोग होते हैं? एक तो होता है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। और एक होता है निकट दृष्टि दोष, और एक वर्णांधता, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता, लेकिन मुख्य जो है दूरदृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। और ये मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। इन दोनों दोष का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में हर बार एग्जाम में आते हैं। और इनको कैसे मैं आपको समझाऊंगी, किस तरह से होते हैं, ये एक बार समझिए। आईज का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि आगे से उभरा हुआ भाग होता है। जब भी वस्तु का, कोई वस्तु से यहाँ पे लेंस, कोई भी किरण आएगी, वो लेंस से टकरा के प्रतिबिंब को कहाँ बना देती है, बिफोर दी येलो स्पॉट, यानी कि पीत बिंदु से पहले बना देती है। तो प्रतिबिंब तो तभी दिखाई देगा ना जब पीत बिंदु पर बनेगा, अब वो दिखाई नहीं देता है। तो अब हमें कैसे, यानी कि ये रोग कैसे हो जाता है, तो इस रोग के कारण या तो ये गोलक बड़ा हो जाता है कई बार, या फिर जो लेंस है इसकी जो वक्रता है, वक्र हो जाता है, ये अधिक वक्र हो जाता है, या इसकी वक्रता क्या हो जाती है, घट जा, वक्रता त्रिज्या घट जाती है, वक्र बढ़ जाता है, या फिर नेत्र गोलक का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है। तो प्रतिबिंब पीत बिंदु से पहले बन जाता है। तो इस रोग को कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और ये मोस्टली बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में, क्योंकि छोटे बच्चों की बढ़ती हुई उम्र होती है, तो कई बार नेत्र गोलक जो उसका बढ़ जाता है और
लेंस उस प्रतिबिंब को येलो स्पॉट पर नहीं बना पाता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या चाहिए, हमें वो लेंस चाहिए जो क्या कर दे, वो रेज को फैला करके पीत बिंदु तक ला दे। तो फिर क्या काम करते हैं, चश्मे लगते हैं, बच्चे के चश्मे लगाए जाते हैं, और चश्मे में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, अवतल लेंस। और जब भी कोई रेज आएगी तो फैल जाएगी। और वो फैलने के बाद लेंस से टकरा के पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाएगा और व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा। तो ये कौन सा दोष हुआ, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं दिखाई देती है। और वो क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि पीत बिंदु से पहले प्रतिबिंब बन जाता था। और इस रोग को दूर करने के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल किया, अवतल लेंस। अवतल लेंस बेटा कॉपी पे समझाना पड़ रहा है, लॉकडाउन की वजह से ब्लैक बोर्ड की कमी है, तो ये तो इसका निवारण है। अब आ जाता है दूरदृष्टि दोष। कौन सा, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि या तो नेत्र गोलक छोटा हो जाए, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, या जो लेंस है ये अपनी फोकस वक्रता त्रिज्या को बढ़ा देता है, या इसकी वक्रता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, वो वक्रता कम हो जाएगी यानी कि मुड़ेगा कम, या इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी। तीन कारण में से कुछ भी हो सकता है। तो जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो निकट का तो यहाँ बन ही जाता है, वो दूर का बन जाता है, इसमें निकट की प्रॉब्लम आती है। तो मैं वस्तु को निकट रखूँ, तो जब कोई निकट वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, येलो स्पॉट से परे यानी कि पीत बिंदु से दूर बन जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमें ऐसा लेंस चाहिए स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए जो रेज को सुकुड़ ले यानी कि उसको क्या कर ले, अभिसारी कर दे। तो वो कौन सा लेंस वर्क करता है, वो करता उत्तल लेंस। तो जब भी कोई वस्तु से प्रतिबिंब आएगा तो उत्तल लेंस उसको क्या कर देगा, थोड़ा सुकुड़ के प्रतिबिंब को कहाँ पहुंचा देगा, पीत बिंदु पे। कहाँ पहुंचा देगा बेटा, पीत बिंदु पे। तो स्पष्ट प्रतिबिंब जो है पीत बिंदु पे बन जाएगा और रोग का निवारण हो जाएगा। तो कौन से लेंस का यूज किया दूरदृष्टि दोष में, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस और ये ज्यादातर 40 उम्र के बाद रोग हो जाता है। अब मैं आपको समझाती हूँ जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता में क्या होता है कि व्यक्ति को दोनों ही रोग हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष भी और दूरदृष्टि दोष भी। जब दोनों हो जाते हैं तो फिर उनके स्पेक्स में दोनों ही लेंस का यूज होता है। ऊपर की तरफ उनके में अवतल लेंस यूज कर लेते हैं और नीचे की तरफ उत्तल लेंस। तो आपने देखा होगा चश्मे लगे होते हैं बुजुर्गों के, जिनमें ऊपर की तरफ अवतल लेंस होता है, नीचे की तरफ उत्तल लेंस, तो उससे वो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। एक होता वर्णांधता। वर्णांधता ये बेटा आनुवंशिक रोग है, हेरिडिटी। इस रोग को तो ठीक भी नहीं किया जा सकता, इसमें व्यक्ति को रंगों की पहचान नहीं होती और व्यक्ति को सारी दुनिया ब्लैक वाइट और रेड ही दिखाई देती है। उसके एक रोग और है अबिंदुकता। आपने देखा होगा कई बार किसी का जो ये बीच का जो प्यूपिल होती है, तारा होता है, थमता ही नहीं है, कभी लगता है ऐसे इधर देख रहा है, देखता कहीं और है। तो यानी कि वो क्षैतिज पे और ऊर्ध्वाधर एक साथ दोनों पोजीशन को नहीं देख पाता है। तो उसमें फिर बेलनाकार लेंस का यूज करके रोग को दूर किया जा सकता है। ठीक है बेटा, अब आंख से रिलेटेड कुछ एक बातें मैं आपको समझाती हूँ। जैसे नेत्र की फोकस दूरी, नेत्र की फोकस दूरी, तो लेंस और रेटिना के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे नेत्र की फोकस दूरी कहते हैं। और एक नेत्र आराम से बिना कोई फोर्स लगाए, बल लगाए, बिना मतलब समंजन किए, बिना एडजस्ट किए कितनी दूरी तक के प्रतिबिंब को स्पष्ट देख सकता है, कम से कम, दूर तो अनंत तक देख सकता है, तो कम से कम 25 सेंटीमीटर, लगभग 1 फुट जो है व्यक्ति जो है स्पष्ट मतलब बिना अपनी आँख को एडजस्ट किए देख सकता है।
ठीक है। अब नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? समंजन क्षमता, आप ये जो आपका लेंस देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ऐसे फिक्स नहीं है कि ये अपनी फोकस नहीं बदल सकता। आप देखो, हम दूर का भी देख लेते हैं, हम पास का भी, तो लेंस जो है अपनी फोकस को कम ज्यादा कर सकता है। तो जब इसे दूर का देखना होता है तो अपनी फोकस ज्यादा कर लेता है, और जैसे नजदीक का देखना होता है अपनी फोकस कम कर लेता है। तो ये जो इसकी लगातार एडजस्टमेंट चलते रहते हैं, यही नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है कि नेत्र लेंस की फोकस, जो आप ये कहोगे फोकस का कम या अधिक होने की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। या देखिए, नेत्र जो है अधिक से अधिक और दूरी को देखने के लिए और कम से कम दूरी को देखने के लिए अपने लेंस में कितनी समंजन कर सकता है, एडजस्टमेंट कर सकता है, यही नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है बेटा, और बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। आप इसको अपने आँख के जो चैप्टर को यदि आप पढ़ोगे तो आपको बुक में जरूर समझ में आएगा, और नहीं समझ में आए तो मुझे एक बार फिर बता देना, जब क्लासेस चलेंगी तो मैं समझा दूंगी। ओके बेटे।